हेलो गाइस, वेलकम टू आईआरएम फिटनेस। मैं आदरा मीना आज आपको बताऊंगा कि आपको वर्कआउट के लिए अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर आप फिजिकल वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज वगैरह कोई भी रूटीन फॉलो करते हो, तो आप मेंटली नहीं और फिजिकल भी अपने आप को ट्रेन करते हो। मेंटली तो है ही, तो कभी कभी क्या होता है कि हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि क्या हो रहा है अपनी लाइफ में, हम वर्कआउट को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपको अपना वर्कआउट रूटीन फॉलो करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपना ट्रेनिंग प्लान बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है। आपको ट्रेनिंग प्लान अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से रखना है, जिससे आपको उसको कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम नहीं हो। लोग होता क्या है, स्टार्टिंग में ही अपना ट्रेनिंग प्लान इतना हार्ड रखते हैं कि आप कुछ दिन करोगे, उसके बाद में या तो अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं और उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते और अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अपना ट्रेनिंग प्लान आप कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसे वर्कआउट ऐप, बॉडी वेट वाला या कुछ ऐसे ऐप डाउनलोड कर लें जो आपको ऐसे नॉर्मल एक्सरसाइज के लिए आपको मोटिवेट करें और आपको इजी एक्सेस हो जाए हर चीज़ का। तो आपको ऐसे डिमोटिव नहीं होना है, अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से अपने गोल को अचीव करना है, पर गोल सेट करना है। अगर आप अपना गोल सेट करोगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को ये अपना गोल कंप्लीट करना है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, कि मेरे को एक फुल पुशअप्स लगानी है अगर आपसे नहीं लगती, या फिर मेरे को मैराथन दौड़नी है, तो उसी हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो आपको उसी हिसाब से खाना पड़ेगा, उसी हिसाब से सप्लीमेंट्स वगैरह, और उसी हिसाब से आपको अपनी बॉडी को वर्कआउट करना पड़ेगा। और यही है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। और जो भी आप वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हो, जब भी वर्कआउट कंप्लीट होता है तो आप अपने आप को रिवार्ड करो कि और अच्छा फील करो, बी प्राउड दैट आपने अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हो। तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, तो ऐसे आपको वर्कआउट में कंसिस्टेंसी रखनी है। मीन्स आपको वर्कआउट सेम रूटीन अगर आप फॉलो करोगे बहुत टाइम तक, तो क्या होता है कि आप एक टाइम के बाद में बोर होने लग जाते हो। तो आपको अपने ट्रेनिंग प्लान में कुछ ऐसे ऐड करना है, कभी कभी रनिंग कर लिया, साइकिलिंग वगैरह, और आपका फेवरेट स्पोर्ट्स खेल लिया, तो आपको इस हिसाब से वर्कआउट अपना रखना है कि आप बोर नहीं फील हो और आपको वो चीज़ कंटिन्यू रखनी है। एक्सरसाइज कभी कभी होता क्या है कि आपके वर्कआउट रूटीन में कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती है, या तो वो बहुत ज़्यादा इजी होती है या बहुत ज़्यादा टफ होती है। बहुत ज़्यादा टफ होती है तो आपसे वो एक्सरसाइज होंगी नहीं, या फिर आप पूरा सेट करने में स्ट्रगल करोगे। तो आपको क्या करना है, उस एक्सरसाइज को रिप्लेस करना है और दूसरी एक्सरसाइज से कंपनसेट करना है और अपने वर्कआउट सेट को पूरा कंप्लीट करना है। तो उससे क्या होगा, आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा और आपको ऐसे बीच में क्विट करने का कभी डिमोटिवेट नहीं होगा कि यार इतना टफ वर्कआउट है तो मेरे से नहीं हो रहा। तो वही है, आपको इस हिसाब से अपने वर्कआउट रूटीन को ऐसे मैनेज करना है कि आपसे, जैसे मान लो स्टैंडर्ड पुशअप है, आपसे स्टैंडर्ड पुशअप नहीं होती तो आप नी पुशअप कर सकते हो, और जैसे हाई नी है तो आप हाई नी को रिप्लेस करके इजी रन कर सकते हो। तो क्या है, वर्कआउट में आपके में बहुत गैप आ जाता है। मीन्स कभी कभी आपकी हेल्थ इश्यू की वजह से आप वर्कआउट ड्रॉप कर देते हो उस दिन का, या फिर आप ओवर ट्रेन कर लेते हो तो आपकी बॉडी सोरनेस रहती है, तो आपकी मसल अच्छे से वर्क नहीं करती, आप पेन फील करते हो तो आप वर्कआउट नहीं करते। तो आपको अच्छे से रिकवरी टाइम देना है अपनी बॉडी को, जिससे आपकी मसल्स रिकवर हो सके और आप अच्छा फील कर सको बाद में अपने नेक्स्ट रूटीन के लिए। तो पर आपको बीच में क्विट नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लिसन टू योर बॉडी, अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही वर्कआउट करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है उसको कि आपको ये चीज़ करनी ही है। बट हाँ, उसको आपके वर्कआउट रूटीन को आप इजी कर सकते हो, जिससे आप अपना वर्कआउट कंप्लीट कर सको। तो गाइज, ये कुछ पॉइंट थे जो आप अपने दिमाग में रख सकते हो, और आपको क्विट नहीं करना है अपने वर्कआउट रूटीन, और हेल्दी खाना है और घर पे रहना है और सेफ रहना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेन आई पुट नेक्स्ट वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।